हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है डायटरी स्टडीज ऑन डेंटल केरीज पिछली वीडियो में हमने एपिडेमोलॉजी ऑफ डेंटल केरीज को देखा था ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग नोट में कई बार पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कई बार ये पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायट्री स्टडीज ऑन डेंटल केरीज डाइट स्टडी रिलेटेड टू डेंटल केरीज आर वाइफ स्टडी होप वुड स्टडी टुर्कू शुगर स्टडीटरी फॉलहाँ बाई वन हम इनको डिटेल में देखते हैं तो वाइफ हॉम स्टडी डिस्क्राइब बाई गाइज बाई इन फाइव इट इज़ अ फाइव इयर इन्वेस्टिगेशन एंड फोर थर्टी सिक्स एडल्ट इनमेट्स इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन एट वाइफॉम हॉस्पिटल नियर स्वीडन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटली चैलेंज इनमेट्स गस्टैफसन नेफ्टी फोर में इसे डिस्क्राइब किया था और डेवीज ने इसे समराइज़ किया था नाइनटीन नाइनटी फाइव के अंदर ये फाइव ईयरस इन्वेस्टिगेशन हुआ है फोर थर्टी सिक्स एडल्ट इनमेट्स के ऊपर जो वाइफ होम हॉस्पिटल है नियर स्वेडन जो कि मेंटली चैलेंज पीपल के लिए इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर यह स्टडी कैरी की गई यहाँ पर इनमेट्स के ग्रुप को सेवन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया इनकी डाइट न्यूट्रिशियस थी जिसमें शुगर लेवल जो था वो कम था और इन बिटवीन मील उनको स्नैक लेने का कोई भी प्रोविजन नहीं था तो सेवन ग्रुप्स में जो इन्होंने डिवाइड किया है तो सबसे पहला था कंट्रोल ग्रुप जिसे यूजुअल डाइट दी गई देन सुक्रोज ग्रुप इन्हें 300 ग्राम ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन के तौर पे दिया गया देन ब्रेड 345 ग्राम ऑफ स्वीट ब्रेड दी गई देन चॉकलेट 65 ग्राम ऑफ मिल्क चॉकलेट डेली बिटवीन मील्स देन कैराम ट्वेंटी टू कैराम गिवन की गई इनको एट टॉफी में एट स्टिकी टॉफी दी गई थी सिक्सटी ग्राम ऑफ शुगर डेली फॉर थ्री इयर्स देन ट्वेंटी फोर टॉफी दी गई थी वन ट्वेंटी ग्राम ऑफ शुगर फॉर एटीन मंथस तो ये सेवन ग्रुप्स में ये डिवाइड कर किया गया उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मेन कंक्लूजन क्या दिया इसमें कि अगर मेनली शुगर कंजम्पशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो केरीज एक्टिविटी भी बढ़ेगी देन रिस्क ऑफ केंज्यूम्ड इन फॉर्म दैटेन ऑन सर्फेसर अगर हम लोग लेंगे जो सर्फेस पर ज्यादा लंबे समय तक रहती है तब भीज एक्टिविटी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे रिस्क ऑफ केरीज इंक्रीज होगी अगर हम शुगर को इन बिटवीन मील्स भी लेते हैं तब भी केरीज जो है वो इंक्रीज होती है तो ये तीनों मेन कंक्लूजन है अब एक बार केरियस्यू टू अपियर हुआ

Hopewood House is an institution for children of age group ग्रुप सेवन टू फोर्टीन जो Hopewood House हाउस है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सेवन टू फोर्टीन group के बच्चों में आ, ये का इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर diet कैसी दी गई है द absence ऑफ मीट एंड rigid रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मतलब उन्होंने मीट नहीं दिया है प्लस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है मेन इनके ये दो प्रिंसिपल थे प्लस वाटर फ्लोराइड कंसेंट्रेशन जो था वो भी नॉन सिग्निफिकेंट था उनकी ओरल हाइजीन पुअर थी थ्रू आउट द स्टडी तो ये सारी डाइट जो थी वहां के चिल्ड्रन को दी गई तो रिजल्ट क्या रहा एट द एंड ऑफ द स्टडी थर्टीन ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हैड मीन डी एम एफ टी वन पॉइंट सिक्स पर चाइल्ड करस्पोन्डिंग टू द फिगर फॉर द जनरल चाइल्ड पॉपुलेशन थर्टीन ईयर ओल्ड

जबकि अगर हम जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं अगर जनरल चाइल्ड पॉपुलेशन से जो थर्टीन इयर्स का हमने जो ले रखा है उनका जो केरीज फ्री थे वो ओनली पॉइंट फोर परसेंट ही थे मतलब इतना कम परसेंटेज था देन होपवुड हाउस चिल्ड्रंस ओरल हाइजीन वॉज पुअर इनकी ओरल हाइजीन पुअर थी कैलकुलस और जिजेवाइटिस भी था सेवेंटी ऑफ बच्चों में लेकिन इनमें क्या कंक्लूजन निकला इन इंस्टी इंस्टीट्यूशन इन दिस इंस्टीट्यूशनलाइज चिल्ड्रन डेंटल केरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन डाइट मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन डाइट को अगर हम कम कर देते हैं इवन इन अनफेवरेबल औरल हाइजीन कंडीशन मतलब वो अपना आ, उनकी औरल हाइजीन ठीक नहीं होने के बावजूद भी अगर हम कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर देते हैं तब उनकी डेंटल केरीज जो है डाइट की वो कम हो जाती है कम होती है तो ये इसका रिजल्ट आया देन नेक्स्ट स्टडी हम लोग देखते हैं तुर्को शुगर स्टडी इन्वेस्टिगे इन्वेस्टिगेटर्स आर शिनिन मैकेनिन एटोलिन 1975 फॉर 25 पीरियड ऑफ 25 मंथ्स तो इसके जो इन्वेस्टिगेटर थे वो शिनिन एंड मैकेनिन थे उन्होंने 1975 के अंदर इस स्टडी को किया और उन्होंने मेनली क्या कंपेयर किया इफेक्ट ऑफ क्रोनिक कंज़म्पशन ऑफ सुक्रोज़ एंड एंडलेटोल ऑन डेंटल केरीज मतलब कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव थी डेंटल केरीज को करवाने के लिए तो ये फिनलैंड में ये स्टडी की गई टू ईयर्स ऑफ स्टडी थी वन ट्वेंटी फाइव यंग एडल्ट के ऊपर तो सुक्रोज ग्रुप के जो लोग थे वो थर्टी फाइव नंबर के थे थर्टी फाइव नंबर था पीपल का उनका और उन ये कंक्लूजन निकला सुक्रोज ग्रुप में कि के वो केरियस जो है वो हाईली सुक्रोज जो है वो हाईली केरियोजेनिक है फ्रक्टोज ग्रुप के जो नंबर ऑफ पीपल थे वो थर्टी एट थे और केरियोजेनिक है सुक्रोज भी फॉर फर्स्ट ट्वेल्व मंथ पहले एक साल तक वो केरियोजेनिक है बट एट द एंड ऑफ ट्वेंटी फोर मंथ इट बिकम लेस मतलब फिर वो इतना ज़्यादा केरियस नहीं होता है जितना वो फर्स्ट ईयर में था जैलेटॉल ग्रुप जो है उनमें फिफ्टी टू नंबर ऑफ पीपल थे तो ये पता लगा इसका कंक्लूजन ये निकला कि जेलेटॉल एंटी कैरियोजेनिक है और डेंटल केरीज का रिडक्शन भी एट्टी फाइव परसेंट होता है जैलेटॉल के कंजम्शन से तो इसीलिए फ्रिक्वेंट च्यूइंग ऑफ जैलेटॉल गम इन बिटवीन मील्स प्रोड्यूसड एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट तो इन बिटवीन मील्स जो है अगर कोई जैलेटॉल च्यूंगम को अगर यूज करता है तो उसका एंटी कैरूजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है जबकि सुक्रोज जो है वो एक आर्च क्रिमिनल है तो ये इस स्टडी से प्रूव होता है देन ट्रिस्टिंडा कुन्हा स्टडी तो ट्रिस्टेंडा कुन्हा तो जो है ये साउथ एटलांटिक रीजन में एक रिमोट आइलैंड है ज, जिसका कांटेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल लिमिटेड है तो यहाँ पे स्टडी की गई है जो है फिशर ने इस स्टडी की है तो पहले क्या था कि ट्रिस्टेंडा कुन्हा जो आइलैंड था यहाँ पर वॉल्केनो होने के बाद एंटायर कम्युनिटी जो है वो इंग्लैंड पर मूव कर जाती है ठीक है तो फिशर ने डेंटल एग्जामिनेशन कैरी किया था 1932 एंड 1937 के अंदर इस आइलैंड में देन अगेन उसने इंग्लैंड में इन 1962 एंड इन 1966 अगेन इंग्लैंड के अंदर किया गया 1962 के अंदर देन अगेन इन 1966 इन आइलैंड व्हेन पीपल ऑफ ट्रिस्टेंडा कुन्हा रिटर्न टू देयर आइलैंड फ्रॉम इंग्लैंड मतलब पहले वो ट्रिस्टेंडा कुन्हा पर रहते थे वॉलकिनों की वजह से वो इंग्लैंड मूव कर गए तो पहले uh, पहले आइलैंड पे 1932 और 37 में हुई उसके बाद इंग्लैंड में 1962 पे हुई फिर इंग्लैंड से वो अगेन रिटर्न हुए अपनी अपने आइलैंड पर ट्रिस्टेंडा कोन्हा पर वो अगेन रिटर्न हुए तब स्टडी की गई 1966 के अंदर तो रिजल्ट क्या मिले हमें बिफोर माइग्रेशन टू इंग्लैंड 1932 एंड 1937 में केरीज प्रिवलेंस इन फर्स्ट मोलर ऑफ सिक्स टू नाइन नाइनटीन ईयर्स ओल्ड वॉज जीरो मतलब पहले बिल्कुल जीरो उनमें केरीज थी लेकिन बाद में जब वो इंग्लैंड में माइग्रेट हुए तब उनमें केरीज जो है वो फिफ्टी परसेंट तक इंक्रीज़ हो गई बढ़ गई लेकिन अगर हम 1966 में देखते हैं जब वापस वो अपने आइलैंड पर लौटे तब केरीज जो थी वो उनमें एट्टी परसेंट थी मतलब नाइनटीन से ज़ीरो से वो इंक्रीज़ हुई फिफ्टी परसेंट तक फिर वो इंक्रीज़ हो गई 80 परसेंट तक तो मे मे बी ऐसा क्यों हुआ उनमें डाइट्री पैटर्न जो था वो चेंज हो गया या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह की वजह से उनकी लाइफ वगैरह बिल्कुल चेंज होगी तो इसकी वजह से क्या था उनमें केरीज का प्रेवलेंस जो था वो बढ़ गया नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हेरिडिटी फ्रक्टोज इनटॉलरेंस तो हेरिडिटी फ्रकटोज इनटॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है नीट में भी कई बार ये पूछा गया है तो इसमें क्या रहता है जो एंजाइम फ्रक्टोज वन फॉस्फेट एल्डोलेज होता है उसका लेवल जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है तो ये एंजाइम क्यों जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ सुक्रोज एंड फ्रक्टोज के लिए ठीक है तो जिनको भी हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो उन्हें अवॉइड करना पड़ता है जिस फूड में फ्रक्टोज या सुक्रोज हो क्योंकि अगर वो लोग ये फूड अगर कंजम्पशन करते हैं तो उनको नोजिया वॉमिटिंग एक्सेसिव स्वेटिंग और कोमा में भी जा सकते हैं वो तो उनके लिए वो फ्रक्टोज उनको सूट नहीं करता है तो इन 1939 नूब्रन टेब्यूलेटेड द केरीज प्रिवलेंस ऑफ 31 वन परसेंट विथ हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस एंड फाउंड दैट डेंटल केरीज प्रिवलेंस वाज एक्सट्रीमली लो तो न्यूब्रन ने 1939 के अंदर जब केरीज प्रिवलेंस देखा हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के अंदर तो केरीज प्रिवलेंस उनका कम था क्योंकि वो फ्रक्टोज और सुक्रोज का कंजम्पन कर ही नहीं रहे तो उनको केरीज जो थी वो होने का इतना ज़्यादा रिस्क नहीं था अगर हम लोग इन स्टडीज़ को तीन में तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस एपेडामोलॉजिकल एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो साउथ अफ्रीका इन होमिनाइट्स साउथ अफ्रीका के अंदर होमिनाइट्स में इन न्योलिट्स फाइव मिलियन ईयर्स में आ, ये स्टडी हुई है देन एस्कीमोज के जो स्कल थे वो भी फ्री थे केरीज तो इनमें केरीज हमें डेंटल केरीज जो है वो इन दोनों में हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे देखने को मिली हैं देन एपिडेमोलॉजिकल एविडेंस के तौर पे अगर हम देखें ठीक है तो क्रिस्टनडा कुन्हा देन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जो स्टडी की गई है क्रिस्टनडा कुन्हा वही हमने आइलैंड वाली जो देखी है देन हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस वाली जो स्टडी है ये एपिडेमोलॉजिकल एविडेंस में आती है तो ये भी वाइवा में पूछा जाता है अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे कौन सी आती हैं जिनमें एक्सपेरिमेंट किए गए तो 1954 में एनिमल स्टडीज़ जो ऑर्लिन एटल ने की थी वो एक्सपेरिमेंटल में आती हैं एंड ह्यूमन स्टडीज़ में अगर हम देखते हैं तो वाइप होम स्टडीज़ होपवुड हाउस स्टडी एंड तुर्कु शुगर स्टडी तो ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस एविडेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये स्टडी हिस्ट्री की वजह से है एपिडामोलॉजी की वजह से है या एक्सपेरिमेंटल की वजह से है तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी अगर हाँ तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में टिल देन टेक केयर बाय